जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PRK अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों 1 जनवरी 2022 को दोस्तों रेलवे ने एक अपडेट किया है। दोस्तों आप अगर इस ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं, दोस्तों आपके पास इन ट्रेनों में दोस्तों कन्फर्म टिकट है तो टिकट नहीं है तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप विदाउट टिकट भी जा सकते हो। इसमें जनरल कोच यानी आप चालू का टिकट लेकर दोस्तों जनरल कोच में यात्रा कर सकते हो। दोस्तों कौन कौन सी ट्रेन है पूरी जानकारी आपको देंगे और कौन सा रूट है ये भी बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन सी ट्रेन है। दोस्तों ट्रेन नंबर 1, ट्रेन संख्या है दोस्तों 12531। इसका दोस्तों रूट है गोरखपुर से लखनऊ, और दोस्तों इसमें जो जनरल कोच लगेंगे, जनरल कोच का नंबर है दोस्तों D12, D15 और DL1। दोस्तों ये होंगे जनरल कोच। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन संख्या जो दोस्तों 12532 और इसका रूट होगा दोस्तों लखनऊ से गोरखपुर। इसमें कोच लगाए जाएंगे दोस्तों D12, D15 और DL1। अब बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15007। इसका रूट होगा दोस्तों वाराणसी सिटी से लखनऊ। इसमें कोच लगाए जाएंगे दोस्तों D8, D9। अब बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15008। इसकी बात करते हैं कोच के रूट की बात दोस्तों, तो इसका रूट होगा लखनऊ वाराणसी सिटी। उसमें कोच लगेंगे दोस्तों D8, D9। अब बात कर देते हैं दोस्तों 5वें नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या है दोस्तों 15009। इसका रूट होगा दोस्तों गोरखपुर से मैलानी। इसका इसमें कोच लगाए जाएंगे दोस्तों D6, D7, DL1 और D82। दोस्तों ये कोच लगाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 6 नंबर ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15010। इसका रूट होगा दोस्तों मैलानी से गोरखपुर। इसमें कोच लगाए जाएंगे दोस्तों D6, D7, DL1 और DL2। अब बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15043। इसका रूट होगा दोस्तों लखनऊ काठगोदाम। दोस्तों इसमें कोच लगेंगे दोस्तों D5, D6, DL1 और DL2। अब बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या है दोस्तों 15044। इसका रूट होगा दोस्तों काठगोदाम से लखनऊ, और इसमें कोच लगाए जाएंगे दोस्तों D5, D6, DL1 और DL2। अब बात कर देते हैं दोस्तों 9 नंबर की ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15053। रूट है इसका दोस्तों छापरा से लखनऊ। इसमें कोच लगाए जाएंगे D7, D8। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10वें नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या होगी दोस्तों इसकी 15054। इसका रूट होगा दोस्तों लखनऊ से छापरा। उसके बाद दोस्तों इसमें कोच लगाए जाएंगे D7 और D8। अब बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर ट्रेन के बारे में। दोस्तों इसका ट्रेन संख्या है दोस्तों 15069। इसमें दोस्तों रूट होगा इसका गोरखपुर से एसबाग, और इसमें कोच होंगे दोस्तों D12, D14 और DL1। और आप बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन संख्या है दोस्तों 1507 और दोस्तों रूट होगा इसका एसबाग से गोरखपुर। इसमें कोच लगेंगे दोस्तों D12, D14 और DL1। और दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 13, ट्रेन संख्या है दोस्तों 15084। इसका रूट होगा दोस्तों फरुखाबाद से छापरा। इसमें कोच होंगे D7, D8। अब बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर ट्रेन के बारे में। इसका ट्रेन होगा दोस्तों ट्रेन संख्या होगी 15083। रूट होगा दोस्तों छापरा से फरुखाबाद। कोच इसमें होंगे दोस्तों D7, D8। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 15 नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या है दोस्तों 15103। रूट होगा दोस्तों गोरखपुर से बनारस। और दोस्तों आगे बात करते हैं इसका
मतलब कि कौन कौन से कोच होंगे। इसका कोच होगा दोस्तों D14 और D15। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रेन नंबर 16 के बारे में। 16 ट्रेन संख्या है दोस्तों 15104, रूट है दोस्तों बनारस से गोरखपुर, इसमें कोच होंगे D14 D15। छपरा के बारे में ट्रेन संख्या है दोस्तों 15105, रूट होगा दोस्तों छापरा से नौतालवा और इसका कोच होगा दोस्तों D12 और D13। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 18 नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या होगा दोस्तों 15106, रूट होगा नौतालवा और छापरा, दोस्तों इसका कोच होगा D12 D13। अब बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या होगा दोस्तों इसका 15001 3, रूट होगा दोस्तों गोमती नगर छापरा कचेरी, कोच इसका होगा दोस्तों कोच D8 D9। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर ट्रेन के बारे में। ट्रेन संख्या होगा दोस्तों 15114, रूट होगा दोस्तों छापरा कचेरी गोमती नगर, कोच होगा दोस्तों D8 D9। तो दोस्तों ये जो तो आपको मतलब ट्रेन बताई, इस ट्रेन में मतलब कि जनरल कोचेस लगाए जाएंगे दोस्तों, मतलब कि आपको जनरल कोच लगाए जाएंगे, बिना टिकट के आप जनरल टिकट लेके यात्रा इनमें कर सकते हो। मैंने आपको ट्रेन के नाम भी बताए, ट्रेन कहाँ से चलेगी उसका रूट भी बताया है ट्रेन नंबर के साथ, और दोस्तों कौन कौन से कोच में जनरल कोच में आपको बैठना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।